नमस्कार दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से भाई हैं जिन्होंने अपने बचपन में बहुत सारे खेल एक साथ खेले होंगे, और इनमें से कुछ ऐसे भी खुशकिस्मत भाई हैं जिनको अपने देश के लिए एक साथ खेलने का नसीब प्राप्त हुआ। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं उन 11 चर्चित भाइयों की जोड़ी के बारे में जिन्होंने अपने देश के लिए एक साथ क्रिकेट खेली। नंबर 11, हार्दिक पांड्या और करुणाल पांड्या, भारत। आज के युग में भाइयों की जोड़ी में भारत के हार्दिक पांड्या और करुणाल पांड्या सबसे मशहूर जोड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल में सबसे सफल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियन ने 4 बार आईपीएल का खिताब जीता है। 2017 और 2019 की जीत में ये दोनों भाई शामिल थे। बड़े भाई करुणाल पांड्या ने भारतीय टीम में अपना डेब्यू 4 नवंबर 2018 को T20 मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया था, और दूसरी तरफ भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट में सफलता की चाबी बन चुके हार्दिक पांड्या ने 16 अक्टूबर 2016 को अपना डेब्यू वनडे मैच खेला। हार्दिक पांड्या आज की तारीख में जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। हार्दिक पांड्या और करुणाल पांड्या ने 6 फरवरी सन 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक T20 मैच में पहली बार एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला। नंबर 10, मोनी मोरकल और एरबी मोरकल, साउथ अफ्रीका। मोरकल ब्रदर ने साउथ अफ्रीका के लिए बहुत सारी क्रिकेट एक साथ खेली। एरबी मोरकल एक जबरदस्त ऑलराउंडर थे जो कि बल्लेबाजी में बिग हिटिंग के लिए जाने जाते थे। वह नई बॉल के बढ़िया गेंदबाज थे। एरबी मोरकल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की 2010 और 2011 की जीत का भी हिस्सा रह चुके हैं। वहीं मोनी मोरकल एक स्पेशलिस्ट दाएं हाथ के तेज गति से गेंद फेंकने वाले गेंदबाज थे। मोनी मोरकल के नाम 309 टेस्ट विकेट हैं, और वह साउथ अफ्रीका के 5वें सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। नंबर 9, कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल, पाकिस्तान। लाहौर के तीन अकमल ब्रदर ने पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली, लेकिन वह कभी भी एक साथ नहीं खेल पाए। कामरान अकमल तीनों में सबसे बड़े हैं जिन्होंने 2002 में अपना डेब्यू किया। कामरान अकमल ने अभी तक 268 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं। वह पिछले 11 साल से पाकिस्तान के मेन विकेटकीपर रह चुके हैं। बड़े भाई की तरह अदनान अकमल भी एक विकेटकीपर बल्लेबाज थे, लेकिन वह पाकिस्तान के लिए सिर्फ 25 अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेल पाए। तीनों भाइयों में सबसे छोटे उमर अकमल ने सन 2009 में अपना डेब्यू किया। वह पाकिस्तान के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट के साथ न्याय नहीं किया और बल्लेबाजी में इनकंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें पाकिस्तान के स्क्वाड से भी अपनी जगह से हाथ धोना पड़ा। नंबर 8, हेमिश मार्शल और जेम्स मार्शल, न्यूजीलैंड। हेमिश मार्शल ने अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू सन 2000 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया। न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए हेमिश मार्शल 80 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 2000 से भी ज़्यादा रन बनाए। वहीं जेम्स मार्शल एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह ओपनिंग भी कर लेते थे। जेम्स मार्शल सिर्फ 20 मैचेस खेल पाए, जिनमें से सिर्फ एक 161 रन की पारी 2008 में आयरलैंड के खिलाफ आई थी। नंबर 7, शॉन मार्श और मिचेल मार्श, ऑस्ट्रेलिया। दोनों मार्श ब्रदर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत सी क्रिकेट एक साथ खेली। बड़े भाई शॉन मार्श एक बहुत ही डिपेंडेबल बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। उन्होंने आईपीएल के सबसे पहले सत्र, जो कि 2008 में हुआ था, सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप का खिताब जीता था। शॉन मार्श के नाम 13 अंतर्राष्ट्रीय शतक भी हैं। वहीं मिचेल मार्श एक जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए सभी फॉर्मेट खेलते हैं। मिचेल मार्श ने अपने 95 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 3000 से ज़्यादा रन और 85 विकेट अपने नाम किए। नंबर 6, ब्रेंडन मैकोलम और नेथन मैकोलम, न्यूजीलैंड। मैकोलम ब्रदर्स ने 2009 से 2016 के बीच लगभग खेले गए सभी अंतर्राष्ट्रीय मैच एक साथ खेले। नेथन मैकोलम एक ऑफस्पिन गेंदबाज और लोअर मिडल ऑर्डर के बढ़िया बल्लेबाज थे। 2009 में डेब्यू के बाद खेले गए 140 मैचों में नेथन मैकोलम ने 121 विकेट झटके। वहीं ब्रेंडन मैकोलम न्यूजीलैंड के एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज थे, जिनका डेब्यू 2002 में हुआ। दाएं हाथ के ब्रेंडन मैकोलम ने 432 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 15000 से भी ज़्यादा रन जड़े। उन्होंने दुनिया भर की बहुत सी T20 लीग में भाग लिया। नंबर 5, केवन ओब्रायन और नेल ओब्रायन, आयरलैंड। केवन ओब्रायन और नेल ओब्रायन दोनों ने एक साथ आयरलैंड के लिए 2007, 2011 और 2015 के विश्व कप में क्रिकेट खेली। केवन ओब्रायन एक बढ़िया ऑलराउंडर थे। 2011 के विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त 50 गेंदों में शतकीय पारी ने केवन ओब्रायन को काफ़ी मशहूर कर दिया, और साथ ही वह पहले आयरिश क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में भी शतक जड़ा। वहीं नेल ओब्रायन ने भी आयरलैंड के लिए बहुत से विकेट हासिल किए। नेल ओब्रायन ने 176 फर्स्ट क्लास मैचेस में लगभग 13000 से भी ज़्यादा रन बनाए। नंबर 4,
माइक हसी और डेविड हसी ऑस्ट्रेलिया। हसी ब्रदर ने एक साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 से 2013 तक महत्वपूर्ण रोल निभाया और दोनों 2011 के विश्व कप के स्कोर का भी हिस्सा रहे। बड़े भाई माइक हसी ने भारत के खिलाफ 2004 में अपना डेब्यू मैच खेला। माइक के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 के जबरदस्त औसत के साथ 12,000 से ज़्यादा रन और 22 शतक भी शामिल हैं। वहीं अपने बड़े भाई के उलट डेविड हसी को कभी भी टेस्ट में क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला और वह एक T20 स्पेशलिस्ट थे जो कि बल्लेबाजी के साथ बढ़िया गेंदबाजी भी करते थे। नंबर 3, इरफान पठान और यूसुफ पठान भारत। वडोदरा के पठान ब्रदर की जोड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफ़ी मशहूर जोड़ियों में से एक है। वर्ल्ड T20 2007 के फाइनल मैच में पाकिस्तान के खिलाफ ये दोनों भाई पहली बार एक साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेले। इरफान पठान एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे जिनका डेब्यू सन 2003 में हुआ और वह लोअर ऑर्डर के बढ़िया बल्लेबाज भी थे जिनके नाम लगभग 2700 अंतर्राष्ट्रीय रनों के साथ 310 विकेट भी हैं। वहीं छोटे भाई यूसुफ पठान एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं जिनके नाम 2 अंतर्राष्ट्रीय शतक भी हैं। यूसुफ पठान ने अपना डेब्यू सन 2007 में एक T20 मैच में किया। दोनों पठान ब्रदर 2007 वर्ल्ड T20 और 2011 के एक दिवसीय विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। नंबर 2, एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर जिम्बाब्वे। फ्लावर ब्रदर्स ने 1990 के दशक में अपने समय दौरान जिम्बाब्वे क्रिकेट की नींव रखी। दोनों ने एक साथ अपने देश के लिए 21,608 रन बनाए और वह जिम्बाब्वे के अब तक के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। एंडी फ्लावर एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा अपने देश के लिए विकेट कीपिंग की। एंडी फ्लावर का नाबाद 232 रनों का रिकॉर्ड अभी तक कोई भी विकेट कीपर नहीं तोड़ पाया। वहीं ग्रांट फ्लावर दाएं हाथ के एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे जिनका डेब्यू सन 1992 में हुआ जिनके नाम 12 शतक भी हैं। नंबर 1, स्टीव वोग और मार्क वोग ऑस्ट्रेलिया। सभी भाइयों की जोड़ियों में लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी वोग ब्रदर। वोग ब्रदर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक साथ खेलने वाले पहले दो भाई बने। स्टीव वोग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 19 साल क्रिकेट खेली और वह दुनिया के टेस्ट में 72% जीत के साथ सबसे सफल कप्तान बने। स्टीव वोग के नाम 493 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 18,500 रनों के साथ 35 शतक भी शामिल हैं। वहीं मार्क वोग के नाम 16,529 अंतर्राष्ट्रीय रन और 38 शतक शामिल हैं। मार्क वोग वनडे में स्टीव वोग से बढ़िया बल्लेबाज थे। मार्क वोग ने 8,500 वनडे रन बनाए। 1999 के विश्व कप की विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम में भी दोनों ने एक साथ खेला।